हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम हैं लाहौल वैली के खूबसूरत वैली म्यार वैली के सफ़र में, जिसका टेम्परेचर विंटर में -30 जाता है और ये 6 मंथ के लिए ऑलमोस्ट इसकी कनेक्टिविटी अदर प्लेस से कट जाती है। हम यहाँ तक इसलिए पहुँच पाए हैं क्योंकि यहाँ पर अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे स्नोफॉल नहीं हुई है, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, चाहे वो लद्दाख हो, हिमाचल हो या फिर आपका उत्तराखंड हो, कहीं पे भी स्नोफॉल नहीं हुई है। और थोड़ी बहुत स्नोफॉल हुई भी है तो वो पीक में हो रखी है। तो चलो चलते हैं मेरे साथ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि विंटर के टाइम पे जब स्नोफॉल इतनी ज़्यादा होती है तो उनका जनजीवन कैसा होता है, वो कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं। हमें आगे गांव खंजर में जाना था मगर हम आगे जा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ हो रखी है पूरी रोडों में। इसकी वजह से हम ये गांव जो है इसका नाम है तिंगरेट और यहाँ पर रुके हुए हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पर चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रखा है, इस टाइम पत्थर ही पत्थर है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा अभी। आप ये जो देख रहे हैं इसको छोड़तिन बोलते हैं यहाँ की भाषा में। इस सफ़र में हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ है सुनीता दीदी और सुशीदा और साथ में कैमरामैन ज्योति। कैमरामैन को हम भूल गए थे। 100 मीटर की दूरी में है, काफ़ी चढ़ाई में है अभी। हाँ, -30 हो गए हैं। पानी इस तरीके से पूरी हर जगह जम गया है, माइनस टेम्परेचर से ये सारा का सारा जम गया है। थोड़ा बहुत निकल रहा है, घरों में भी पानी नहीं आता इस टाइम। इतनी दूर दूर पानी लेने जाना पड़ता है, रास्ते इतने ख़राब होते हैं, स्लिप होने का इतना खतरा रहता है। ये सारा ग्लेशियर का पानी है। जैसे ही हम गांव के करीब पहुंचे, हमें एक गुम्फा दिखाई दी। हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम गुम्फा जाएंगे, जहां पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। गुम्फा में कुछ समय व्यतीत करने के बाद जैसे ही हम गुम्फा से बाहर निकले, गांव की गलियों ने मुझे भी अपने गांव की याद ताज़ा करवा दी। आंटी दिखाई दे रही है हमें, जानकारी लेते हैं कुछ। धूप सेक रहे हो आप? अच्छी धूप आ रही है। दर्शन करने आए? अच्छा, चलो अंदर चलो, चाय पियो। क्या है, एक एक चम कप चाय पियो। लकड़ी की सीढ़ियां यहाँ पर, पुराना घर है ये। हाँ, मट हाउस है ना। यहाँ पर आंटी भेड़ की ऊन से पारंपरिक तरीके से धागा बना रही हैं,
ज़्यादातर यहाँ पर लोग भेड़ के बने हुए ऊन के ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जो कि काफ़ी गर्म होते हैं। हमारे ये पारंपरिक साधन समय के साथ विलुप्त होते जा रहे हैं। ये क्या सुखा रखा है यहाँ पर? छुरपे। छुरपे? हाँ। ये किस चीज़? ये क्या होता है? लस्सी का बनाते हैं। अच्छा, लस्सी का। फिर इसे सूप में डालते हैं? सूप में। अब हम जा रहे हैं किसी और के घर में। हमें किसी ने बुलाया अपने घर में। मैं आऊंगा बना चाहिए नमस्ते। नमस्ते। ठंड होती है ना, तंदूर जलाना ही पड़ता है। जैसे कोई मेहमान आता है, सबसे पहले तंदूर जलाया जाता है। और यहाँ पर कुछ फ्लावर्स बनाए जाते हैं, ये शादी के लिए बनाए जा रहे हैं। दीदी के लड़के की शादी है, उनके लिए बनाए जा रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, ये इस तरीके के फ्लावर्स बनेंगे। जितने भी बराती आते हैं, सभी को ये फ्लावर्स दिए जाता है एक एक। इसे एक फ्लावर बनाने में कितना टाइम लगता है? वो काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा जी। सर्दियों में आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर? सर्दियों में क्या करना, अंदर बैठना, खाना पीना, गाड़ियाँ तो चलते है नहीं है, बस बर्फ होता है बहुत ज़्यादा। इस बार बर्फ नहीं आया, फिर गाड़ियाँ भी चल रही है। हाँ जी। तो 6 महीने तक यहाँ गाड़ियाँ चलती नहीं? नहीं चलती है। अच्छा। हाँ जी। और यदि कोई बीमार हो जाए तो फिर वो कैसे जाते हैं? बीमार हो गया तो फिर ज़्यादा ही सीरियस हो गया तो फिर हेलीकॉप्टर मंगाते हैं ना। अच्छा। तब हेलीकॉप्टर में, हाँ, थोड़ा बहुत तो फिर यहाँ हॉस्पिटल में चल पड़ता है। हाँ हाँ। हमारे को जी पानी दूर से लाना पड़ता है जी, पानी यहाँ जम जाता है। वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए हमारे को पानी भी नहीं होता है, इसलिए हमारे को दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। स्कूल जाने में थोड़ी मुश्किल होती है, जूते गीले हो जाते हैं। बर्फ गिर जाती है जी जनवरी जनवरी में। हाँ जी। उस पहले तो हम स्टॉक इकट्ठा करते हैं, स्टॉक 6 महीने का, बर्फ गिरने के बाद फिर तो रास्ता वास्ता बंद। म्यार वैली का ये सफ़र काफ़ी आनंददायक था। यहाँ के लोगों से मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। जिनके भी घर हम गए, सभी ने हमारा वार्म वेलकम किया। उनके चेहरे की मुस्कान और बिहेवियर को देख के एक पल के लिए भी नहीं लगा कि इनको सर्दियों में इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम उस वाले लाफ्ट घर से आ रहे हैं, वो लाफ्ट है इस गांव का घर। और यहाँ से हमें अभी 200 मीटर और नीचे की साइड जाना है। बसेस अभी यहाँ चल नहीं रही है क्योंकि जगह जगह में बर्फ जमी हुई है, तो स्लिपरी हो जाता है, तो बस इस टाइम बंद हो जाती है। लोगों के पास जो पर्सनल गाड़ियां हैं उसी से ही लोग यहां से जाते हैं, नहीं तो टैक्सी बुलानी पड़ती है, जो कि बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। हम पहुंच गए हैं गाड़ी के पास में, चलते हैं अब घर की साइड। थैंक यू, बाय। वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स। ये सुहारा मुझो माँ तुम्हारी ओ, ये की बाईए मरेला दूजी बाईए मारी, हरा 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 नी जो मारी।